नमस्कार, मैं हूं हरीश आसवाल। देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम मेरा गांव मेरा देश। इस खास प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद उन लोगों की आवाज को सुनना जिन्हें पीछे छोड़ दिया जाए, और इस मकसद से हमने इस खास शो को आगाज किया है जिससे हमारे साथ कुछ गांव के लोग जुड़े हैं और उन्होंने अपनी स्थिति को बताया जो सच है। तकलीफ से वो जूझ रहे हैं बताया, और उन लोगों के मुंह पर जो ताले जड़ दिए जाते हैं ये कहकर कि गांव का विकास खूब अच्छे से हो रहा है। वो लोग जो ये कहते हैं कि हमने गांव का विकास तो बहुत किया पर कागजों में, लेकिन क्या यह सच है? नहीं, ये सच नहीं है। इन भोले भाले लोगों से जब ये दर्द पता लगा तो पता लगा कि जो कागजों पे बनी रोड थी, जो कागजों पे बने स्कूल थे, वो सिर्फ कागजों में ही रह गए। हम चाहते हैं कि उन लोगों से आप सीधी सीधी जानकारी लें, सीधी बात करें। जो सरकारें आती हैं या चली गई, वो किन मुद्दों पे सरकार बनाते हैं और इन लोगों को फिर से मझधार में छोड़ देते हैं। हम उन मुद्दों को इनसे सीधा सुनेंगे, और हमारे गेस्ट जो हैं आज, उनको हम सीधा सीधा आमंत्रित करते हैं ताकि वो अपने गांव का, अपने देश का, गांव से बना देश, उसका हाल बता सके। तो हमारे साथ हैं उमा रावत गोपेश्वर से, और चरण रावत चमोली जी चमोली से हैं, और नरेंद्र जोशी जी और पुष्कर सिंह जी हैं जो संवाददाता हैं हमारे। इन सभी को हम साथ में जोड़ेंगे और इनके गांव की, कस्बे की, इनके देश की, इनके राजनेताओं की, इन सब की बातें करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना है कि इनके मंत्रियों को, इनके विधायकों को सीधा पूछा जा सके कि कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं, किस विकास की आपने बात की थी, कौन से अब नए वादे करने जा रहे हो, और क्या वो वादे सच होने वाले हैं। हम उन पर बात करेंगे। बात होनी चाहिए थी विकास की, पर आजकल बात हो रही है मंदिर की। तो क्या इन सब से किसी घर में रोजी रोटी आने वाली है या आई है? तो या फिर इनकी, इन लोगों की भी विचारधारा बदल गई है? इन सब पर बात होगी। तो सभी गेस्टों को एक बार पीसीआर से बोलूंगा, सभी गेस्टों को एक बार ले लें जी, अभी जुड़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है। एनीवेज, तो हमारा मकसद जो है इस प्रोग्राम को करने का कि राजनेताओं के जो उनके द्वारा की गई घोषणाएं हैं, घोषणा पत्र हैं, उन घोषणा पत्र को जो हम देखते हैं ना, उनमें वादे लिखे होते हैं बड़े कि हम 1,00,000 रोजगार देंगे, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, अस्पताल देंगे, स्कूल देंगे। कोई इनसे पूछे कि 20-21 साल का उत्तराखंड हो चुका है, नौजवान हो चुका है उत्तराखंड, 21 साल का नौजवान उत्तराखंड जो हो चुका है उसकी बात करें, 18 साल में तो बालिग हो जाते हैं, तो 21 साल में इन्होंने अभी तक रोजगार की जो बात की थी वो कहाँ है वो रोजगार? आज इनके रोजगार पूछे जाते हैं जब, तो इनसे पूछा गया कि आपने कितनी नौकरियां दी, तो भाजपा की बात करेंगे तो इन्होंने कहा 2 साल तो हमारे कोरोना काल में निकल गए। कांग्रेस से पूछा तो कहते हैं हमने 3,000 समथिंग रोजगार दिए हैं। अरे मैं बोलता हूँ रोजगार नहीं दे पाए तो स्वरोजगार की बात कर लेते, किसानों की बात कर लेते। उत्तराखंड में जो हम लोगों को प्रकृति ने दिया है ना, उसी को थोड़ा सा ठीक कर लेते। बड़े बड़े बैनर पोस्टर आपने देहरादून उत्तराखंड में लगा कृषि में नंबर 1, वो नंबर 1 कैसे बनाते हैं मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। शायद सभी गेस्टों को समझ में आ जाए, या वो बता दें कि सही में ये बात धरातल पर उतरी है या नहीं उतरी है। इस तरह से कई मुद्दे ऐसे हैं, स्वास्थ्य को लेकर, स्कूल को लेकर। आज स्कूल की बात कर लें, चलिए सबसे पहले आज 2 साल से स्कूल बंद है। उन स्कूलों पे अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं। आज हमारे ऑनलाइन गेस्ट हम नहीं ले पा रहे 4, ये पूरे स्कूल के बच्चों को कैसे ले पाते होंगे, कैसे वो बच्चे पढ़ रहे होंगे, ये किसी ने सुध-बुध ली है इनकी? किसी ने नहीं ली। ऑनलाइन के नाम पर ठगी है, बजट को ऑनलाइन स्कूल, स्मार्ट क्लास, इन सब के नाम पर ठगी मानी जाते। तो इन सभी को इन मुद्दों पे आना पड़ेगा। चुनाव इन मुद्दों पे होगा, रोजगार पे होगा, विकास पे होगा, स्कूल पे होगा, स्वास्थ्य पे होगा, सुरक्षा पे होगा, आपके मंदिर मस्जिद पे नहीं होगा, पलायन पे होगा। क्यों पलायन हुआ, कितने गांव में आबादी थी, आज कितनी है, कितनी होनी चाहिए थी,
और क्यों नहीं है, इन सब पर बात होगी और इनसे ही जानेंगे कि सही में इनके यहाँ रोड तो पहुंची है, क्या सही पहुंच पाई है, नहीं पहुंच पाई है, या नेताओं के लिए ही रोड बनी है कि नेता आएंगे तो उनके लिए रोड बन जाए पहले से, प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका हवाई अड्डा बन जाए पहले, इस सब के लिए। तो असली असली वोटर जो है वो ये लोग हैं, जो कल हमने हर्षिल से एक बहुत ही एक मुद्दा ऐसा लिया था जिसको उजागर किया और शायद सरकारी फाइलों में वो है भी। झाला एक जगह है, झाला में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ है, कोल्ड स्टोरेज बना, पता लगा कि वो जून से बंद है। हर्षिल का सेब वर्ल्ड में फेमस, हर्षिल की राजमा वर्ल्ड में फेमस, अमेजोन पे बिकती भी नजर आई, पर असल में वहाँ के किसान बोलते हैं हमारे तो फसल ही सड़ गई पेड़ों पे, हमारे तो फसल ही नहीं बिकी। तो अमेजोन पे कौन सी फसल बिक गई, वो कौन सी हिमाचल की पेटियों में हर्षिल का सेब बिक गया। जब ये दर्द हमने आगे प्रोग्राम में रखा तो भाजपा की एक प्रवक्ता ने इसे माना कि हाँ ये बात सत्य है और ये हम आगे रखेंगे और आपका ये प्रोग्राम मेरा गांव मेरा देश सराहनीय है, आप इस तरह का प्रोग्राम करेंगे हम आपके साथ हैं। हमें उनका साथ तो चाहिए ही ताकि ये बात किसी तरह से विधानसभा में रखी जाए, ताकि आप लोगों की सच्चाई जो है कि आप किस मुश्किलों से निकल रहे हैं वो सब सच्चाइयों को आगे रखा जाए। पर गलती इसमें कहीं ना कहीं हमारे गांव वालों की भी है जो इलेक्शन के टाइम पे अपनी विचारधारा बदल देते हैं। मैं बोलता हूं कि विचारधारा से पहले उस व्यक्ति विशेष को देखें जो आपके यहाँ वोट मांगना है, क्या वो आपके गांव से जुड़ा है या वो शहर से आकर गांव में इलेक्शन लड़ने आया और फिर जीतकर वापस शहर चला जाएगा। ऐसे आपने बहुत सारे मंत्रियों को और ऐसे बहुत सारे विधायकों को आपने देखा जो इस तरह के इलेक्शन लड़ने का भी वो अपने विधानसभा ही बदलते रहते हैं। पार्टियां तो आजकल फैशन है, उस फैशन में ये सब कहीं पार्टियां बदल रहे हैं, कोई विधानसभाएं बदल रहा है, कोई मंत्री पद बदल रहा है। तो इस तरह की जो है ये घटनाएं हो रही हैं, इसको घटना ही बोलेंगे। चलिए हमारे साथ सभी गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं। नरेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जोशी जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है और बड़ों को मेरा प्रणाम। माता जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, गंगोत्री से हैं। जोशी जी, जोशी जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? जोशी जी आपको आवाज साफ मिल रही है? चरण रावत जी, चरण रावत जी, पुष्कर जी, चरण रावत जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए ये है स्थिति, ये स्थिति उत्तराखंड की, इसी स्थिति की बात कर रहा हूं मैं, जहां सिग्नल नहीं पहुंच रहे हैं वहां ये दावे करते हैं कि सड़क पहुंच गई है, स्कूल हैं, और दावे करते हैं कि हम सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक है, गढ़वाली में सब बलोच है। तो क्या क्या भला है क्या बुरा है वो दिख रहा है, एक मात्र सिग्नल मात्र नहीं पहुंचा पाए और बात करते हैं अच्छे स्कूल, स्मार्ट क्लासेस, इन सब की बात करते हैं। तो कहां तक ये चीजें सही हैं? नेता इसी तरह से आपका बेवकूफ बनाते रहेंगे, आपको इसी मुद्दों पे बार बार इलेक्शन लड़ते रहेंगे। अब आपको चुनना है कि किस तरह कौन सी बातों पे हमने इलेक्शन लड़ना है या जिताना है या जीतना है। विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है। चरण जी, जी सर, चरण जी आप बताएं, चमोली से हैं आप, कैसा चल रहा है आपके चमोली में? जी हमारा तो कहना ये है कि जो सरकारें यहाँ पे हमें बनी हैं बारी बारी से और 20 साल इस राज्य में हो गए हैं, तो हमें सरकार के नाम पे सरकार दिखाई देती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि समस्याओं का इतना अंबार है। मैं मुख्य तौर से अपने शहर गोपेश्वर जब जाता हूँ तो चमोली से गोपेश्वर जाने के लिए हमें मोटर मार्ग पे हमें तो लगता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी कब खराब हो जाए, क्योंकि इतने इतने गड्ढे हैं। तो ये वहाँ पे मुख्यालय में वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी लोग रहते हैं तो उनको ये चीज दिखती नहीं है,
तो हम और दूर दराज के गांव में विकास की जो बात है उसको कैसे हम मान सकते हैं कि ये लोग विकास का कम काम कर रहे हैं। आपका पोखरी में देख लीजिए, नैल बामनाथ जाने वाली जो सड़क है उसका बुरा हाल है। हमारे दसूली ब्लॉक में जो सड़क है परसवाण फाट एक जगह है, उसमें जो कई सालों से जो स्लाइड जोन बना हुआ है तो वो आज भी बदस्तूर जारी है। वहाँ के कई क्षेत्र के युवा कई बार वहाँ पे आंदोलन करते हैं और आज भी आंदोलनरत हैं। और वैसे ही हमारे जो गोपेश्वर का जो हॉस्पिटल है वो मात्र रेफर सेंटर के रूप में वहाँ पे जाना जाता है। अभी ये मेरे एक मित्र हैं मनोज डुंगरियाल करके, तो उनकी धर्मपत्नी का या डिलीवरी का कोई केस था तो उनको जाना पड़ा देहरादून इंद्रेश में, उन्होंने अपना इलाज किया। तो यहाँ पे इस प्रकार की स्थितियां हैं और 2 लाख रुपए उन्होंने खर्च वहां पे किया अपने उस डिलीवरी के लिए। तो इस प्रकार की दिक्कतें यहाँ पे बहुत सारी है, बहुत सारे गाँव में है। अच्छा, जब जब आपके विधायक आपके क्षेत्र में आपके विधायक आते हैं चरण जी, जब आपके क्षेत्र में आपके विधायक आते हैं तो आप उनसे शिकायत नहीं करते हो? जी सर, मैं विधायक से हम क्या शिकायत करते हैं, वो शिकायत सुनने के लिए अगर हमारे उस पर शिकायतें सुने और उस पर अमल करें तो कुछ लगे ना कि हमारे प्रतिनिधि हमारी बातों को सुनते हैं। चलिए, आप बिल्कुल लाइव हो, आप उनका नाम बताएं, विधायक का नाम बताएं, आज हम उनसे सवाल पूछेंगे। जी महेंद्र भट्ट, महेंद्र भट्ट जी हमारे विधायक हैं। हाँ जी ठीक है, महेंद्र भट्ट जी से आज पूछा जाएगा कि आपके क्षेत्र में आप खुशहाली का दम भरते हैं, रोड नहीं है वो कैसे है? वो आते तो सड़क मार्ग से ही होंगे ना अपने क्षेत्र में, या नहीं आते हो? जी जी हम सड़क मार्ग से हैं। जी 5 साल में कितनी बार आए हो? विधानसभा की बात बता रहा हूँ मैं, पोखरी जो ब्लॉक विकास खंड है उन्हीं के विधानसभा का अंतर्गत आता है, और दसोली और जोशीमठ, और पानी का भी यहाँ पे हमारे जो शहर चमोली में आए दिन पानी का रोना 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 पड़ता है। जो ड्रिंकिंग वाटर लिप इरिगेशन स्कीम थी उससे भी जहाँ पे प्रॉपर पानी को जाना चाहिए था वहाँ पे वो पूरा फिटिंग नहीं कर पाता है वहाँ स्थानीय जनता को। तो इस प्रकार की इनके राज में है, स्वास्थ्य की वही स्थितियां हैं। ये बीटेक कॉलेज हमारे कोठियाल शहर में है, वहाँ पे जो गर्ल्स का हॉस्टल है वो अभी तक निर्माणाधीन निर्माण हुआ नहीं है उसका, और जो प्रशासनिक भवन उसकी स्थिति वही है। 2 लाख रुपए उन्होंने दिया उसके लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हैं, गिनाने के बहुत सारी समस्याएं। ये वोट देने जाते हो आप वोट देने जब जाते हो तो विचारधारा किससे मिल जाती है आपके अचानक से? जी सर, आपकी विचारधारा किससे मिलती है? भाजपा से मिलती है, कांग्रेस से मिलती है? आपको क्या लगता है कौन पार्टी इनमें से ठीक है? बेसिकली आम आदमी पार्टी के आने से पहले जो 20 साल के राज्य को बने हुए हैं इसमें 2 ही पार्टियां थी, और एक उत्तराखंड क्रांति दल थी। उत्तराखंड क्रांति दल में बीच में इनके सम्मिलित होकर के मलाई खा लिए ये लोग भी। और अब जब नया पार्टी इसमें प्रदेश की राजनीति में जब इसने अपना इंटरेस्ट किया है तब से थोड़ा सा दिक्कत इनको लगती है, और एक नया विकल्प के रूप में आ सकती है। और हम हमारा जो मानना है कि नया पार्टी जो आई है वो एक नया काम इसमें कर सके, जो दिल्ली का मॉडल है एजुकेशन का है, स्वास्थ्य का है, हम चाहते हैं कि वो मॉडल हमको चाहिए। चलिए, मैं आपकी बात समझ गया, दिल्ली का मॉडल आप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से प्रेरित हैं। चलिए कोई बात नहीं। उमर रावत जी हमारे साथ गोपेश्वर से जुड़ी हैं। माता जी प्रणाम। आवाज आनी छे? नहीं, मैं अच्छा, मेरे को आवाज नहीं आ रही है आपकी, मैं पीसीआर से बोलूंगा थोड़ा, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। चले नरेंद्र जोशी जी, जोशी जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप तो लगता है बहुत ही पुराने क्षेत्र से आ गए, मेरे को लग रहा है जहां से आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही है आपकी? आवाज नहीं मिल रही है तो आपके आपके गांव में समस्या और ज्यादा है, 2 टावर एक्स्ट्रा लगेंगे आपके यहाँ। नहीं, आवाज नहीं मिल पा रही है, जो जोशी जी की आवाज मुझे नहीं मिल पा रही। पीसीआर से दोबारा चरण जी से सवाल लेता हूं मैं। चरण जी, आम आदमी पार्टी से आप प्रेरित हैं, आप एक बार बताइए फ्री बिजली चाहिए क्या आपको? फ्री जी, ये बिल्कुल 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 क्यों नहीं चाहिए सर? अच्छा, चाहिए आपको, ये बताइए क्यों नहीं चाहिए? कितने लोग आपके परिवार में हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं? कितने लोग हैं? हमारे परिवार में कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, मैं बेसिकली किसान से आता हूँ।
किसानी का मेरा पोल्ट्री फार्म का अपना बिजनेस है और बिजली फ्री चाहिए रोजगार पे के आप सोशल सिक्योरिटी बिलीव के करते लिए। हैं मतलब? हाँ जी 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 सोशल सिक्योरिटी अच्छा, मिलती है ना, मतलब फ्री मिलती है गवर्नमेंट और की हम टैक्स भी देते है, हैं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देना, जी जी पढ़े लिखे लोगों को की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार पर निर्भर ना होना, वो भी तो कई रोजगार के अपने स्वरोजगार के ऊपर बात कर सकते हैं। देखिए सर, फ्री फ्री का मतलब क्या है? विदेशी जो सरकार है अपने नागरिकों की सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा के लिए इस प्रकार की कार्य करती है और हम अपना जो टैक्स देते हैं टैक्स जो बेनिफिट हमारे स्टेट को होता है हमारे लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम उसको बिजली फ्री देने की बात अगर कर तो ये कोई बुरा कदम नहीं है। और अभी तो सरकार जब बनेगी जी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ चरण जी। जी वैसे तो आपकी विचारधारा आपके साथ है, मैं आपके फ्री के फंडे में मैं आपके साथ नहीं हूँ। मैं भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ और मेरे को अगर आप बोलोगे मेरे को सरकार के आने जाने से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है मुझे स्वाभिमानी बनाने से या ना बनाने से। जी। मैं खुद कमा के अगर कर सकता हूँ अपना टैक्स दे सकता हूँ तो फिर मैं क्यों ना भागीदार बनूँ देश को आगे बढ़ाने में फ्री लेके। आप सुनिए मेरी बात, चरण जी मेरी बात सुन लीजिए ना। आप 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता लेंगे तो आपका बच्चा जब 5,000 रुपये उसकी जेब में आ रहे होंगे तो वो रोजगार की तरफ बढ़ेगा नहीं, उसको लगेगा ये रोजगार में जहां भी इनरोल हो गया चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी हो गया तो उसको 5,000 रुपये खोने का डर लगा रहेगा। है ना, तो इसमें धांधली होने के भी बहुत चांसेस रहेंगे। ये फिर विधायकों के चुनिंदा लोगों को ये मिलने लगेगी जी ना, तो फिर करप्शन, ये करप्शन का एक और रास्ता है। तो बिजली फिर चल रही है ना, और अभी तो हम जब अभी तो आप ये तो पहले ये प्रोग्राम ये प्रोग्राम ये प्रोग्राम जो है ना किसी पार्टी को ये प्रोग्राम जो है ये प्रोग्राम का मकसद है कि हम अपने गांव की समस्याओं को बोलें और अपने विधायक से सीधा प्रश्न करें, अपने मंत्रियों से प्रश्न करें, अपने मुख्यमंत्री से। समस्या तो हम बता ही रहे हैं आपको, तो समस्याएं दुनिया भर की, सड़क की है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही आप अगर सही नहीं कर पाओगे। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने बात करनी है, हमने अपने भाइयों के रोजगार पे, पढ़ाई पे, अपने बच्चों की पढ़ाई पे क्यों पलायन हो रहा है उसके ऊपर हमने बात करनी है। जी। अच्छा है, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं तो आम आदमी पार्टी। उमर रावत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? उमर रावत जी को आवाज आ रही है? जोशी जी, आपको आ रही है मेरी? हाँ, आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास जोशी जी, अब आप आए हो थोड़ा गढ़वाल से नीचे। जी जोशी जी, हाँ जी नमस्कार। आपका नमस्कार, आपका कौन सा गांव है जोशी जी? हमारा गांव जो है ग्राम कंडोली है। ग्राम कंडोली, हाँ सुना है ग्राम कंडोली जो, और पट्टी हमारी खाटली पड़ती है जो हमारा रिखणी खाल के नजदीक है, करीबन 15 किलोमीटर है रिखणी खाल से। जी, समस्याएं क्या है जोशी जी, आपके आपके गांव की तरफ की समस्याएं क्या? हमारी समस्या ये है हरीश जी कि हमारे यहाँ सड़क बने हुए, कच्ची सड़क बने हुए करीबन गांव से हमारे को 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें पक्की नहीं हुई है सड़क, आए दिन टूटती रहती है, बड़े बड़े पत्थर डले हुए जिसकी वजह से आवागमन में बहुत मुश्किल हो रही है। जहाँ इस समय हिंदुस्तान जो है काफी तरक्की कर रहा है सब कुछ है, लेकिन गांव में अभी तक ये प्रॉब्लम अभी भी फेस कर रहे हैं लोग, जहाँ सड़कें नहीं पहुंची। अच्छा जोशी जी, आपके गांव में आबादी कितनी है? हमारे यहाँ करीबन एक टाइम था जब हमारे यहाँ करीबन 100-125 फैमिलीज रहती थी जो आज सिमट के 40-45 पे रह गई है। पलायन आपके यहाँ भी हुआ है? 50-60% पलायन हुआ है। पलायन हुआ है, हाँ जी। कारण तो एक तो देखो, हम भी बताएं आपको तो हम बचपन से वहाँ रहे, बचपन में हम जाते थे, छुट्टियों में जाते थे और करीबन 4-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। स्कूल काफी दूर होता है, स्कूल भी एक प्रॉब्लम है। 5-6 गांव जो नजदीक के हैं उनमें एक बीच में एक स्कूल बनाया गया है जिसमें 4-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। स्कूल एक समस्या थी, हॉस्पिटल नहीं है नजदीक, हॉस्पिटल के लिए हमें कोटद्वार भागना पड़ता है ना। तो इन चीजों की बड़ी काफी परेशानी है। 5 बजे के बाद फिर गाड़ियां नहीं मिलती हैं, कोई टैक्सी नहीं मिलती है शाम को, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता है गांव से लेके और कोटद्वार तक पहुंचने का। रूटीन में बस आती होगी, टाइम लगा होगा, रूटीन में बस आती है, टाइम पर बस आती है। बिल्कुल। तो जोशी जी, आप अपने गाँव में आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हो, अपने विधायक से क्यों नहीं ये बात करते हो
लिखित क्यों नहीं देते हो आप इन चीजों को? पहले पहले क्या था कि होता क्या है, तीन चार गांव के प्रधान सिलेक्ट होते हैं, हमारे गांव से काफी बार प्रधान जो है हमारे गांव के ही रहे हैं लोग, प्रधान लोगों ने काफी अप्रोच भी किया है, जिसकी वजह से सड़क कम से कम आप मान के चलिए कि 50-60-70 साल बाद तो ये सड़क बनी जाके, लेकिन अभी वो पक्की नहीं हुई। प्रधान लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं वहां पर कि इन मुद्दों को उठाया जाए। असल में ये प्रधानमंत्री योजना के तहत हमारे यहाँ नहीं बनी है, दूसरे गांव में प्रधानमंत्री योजना के तहत जो बनी है वो हमसे बाद में सड़क बनी है वो कंप्लीट हो गई है, उनमें वो पक्की हो गई है, लेकिन हमारे गांव को प्रधानमंत्री योजना के अंदर नहीं लाया है। अच्छा, हाँ, तो ये एक समस्या है। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जो योजना है उसके अंदर तो मनरेगा योजना भी उसके साथ में ही चलती है, क्योंकि मनरेगा से वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो प्रधानमंत्री योजना सड़क सड़क गांव गांव जो गली गली जो है प्रधानमंत्री योजना के अंदर जोड़ी गई हो, तो कहीं ना कहीं रोजगार थोड़ा बहुत तो मिला ही है इससे? रोजगार थोड़ा बहुत मिलता है, जैसे सड़क बनाने का थोड़ा बहुत काम जैसे गांव के लोगों को ही मिला, और आए दिन वो छोटे मोटे काम तो मिलते रहते हैं, बट एक होता है जो सरकार कृषि क्षेत्र में, बताइए कृषि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं वहां पर? कृषि क्षेत्र में तो देखो अब क्योंकि गांव में लोग रहे नहीं, सबके बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले जा रहे, तो कृषि अब जो है देखा जाए तो कृषि के मामले में हमारे खेत जो है सूने पड़े। इवन गाय जो जानवर भी वहां पे लोग पालते थे पहले, वो केवल अपनी जरूरत के हिसाब से पाले जा रहे हैं, अब कोई उनको बिजनेस के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, जबकि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी वहां पे काफी हो सकती है हमारे गाँव में, लेकिन वहां जनसंख्या क्योंकि सड़क नहीं है, साधन नहीं है पहुंचने के, तो उसकी वजह से इवन हम भी जाते हैं, हम चाहते हैं अपना अपना जो अपना मकान है, पुश्तैनी मकान है, उसको हम रिपेयर कराएं, लेकिन वहां पे कच्ची सड़क इतनी है कि वहां पर सामान पहुंचना या तो आप घोड़ों में लेके जाएं। गंगोत्री से भी हमारे जोशी जी, दो मिनट रोकूंगा आपको, गंगोत्री से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर उनको आवाज आ रही हो तो मैं चेक कर लेता हूँ। गंगोत्री से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे माता जी आवाज ही नहीं ओढ़ लगी तुम्हारी, कन ओलू। चलिए माता जी की आवाज नहीं आ रही, पर आपके दर्शन हो गए, समस्याएं भी समझ में आ रही हैं, और जहां ट्रेन पहुंचाने की बात हो रही है वहां सिग्नल नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार बोल रही है हम ट्रेन पहुंचाएंगे, पर सिग्नल तक तो पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ट्रेन कहां से पहुंचाएंगे? मुझे लगता है वो योजनाएं में, ये कागजों में ही बन पहुंची है। गंगोत्री वाले अगर सुन रहे हो थोड़ा सा तो आप थोड़ा सा, क्योंकि अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये गांव के भोले वाले लोग हैं, हमने कोशिश करी है इस प्रोग्राम के माध्यम से कि इन सबको जोड़ा जाए, इनकी समस्याएं सुनी जाए। अब बेचारे इन लोगों पर आज सही से बात करने की, इनसे किसी चैनल ने बात ही नहीं की, तो यही कारण है कि आज ये अवेयर नहीं है कि किस तरह से अपनी बात को पहुंचाया जाए किसी चैनल के माध्यम से, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी बात दिल्ली तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये शायद इनको पहली बार एक प्रोग्राम में मिला है। तो माता जी से भी मैं बोलूँगा, माता जी आपको मेरी आवाज़ अब आ रही होगी, आप फ़ोन ले सकती हो कान पर, कोई बात नहीं, पर नहीं वहाँ देखिए फिर भी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ पर बहुत कोशिश करने के बाद भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे। देखिए पीड़ा देखिए, हमारे 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 उत्तराखंड की पीड़ा देखिए आप। अब इनके साथ कोई हारी बीमारी कुछ हो जाए, कोई त्रासदी हो जाए वहाँ पर, तो ये लोगों के पास साधन नहीं है कि अपनी बात जल्दी से पहुँचा सकें। सर आपको आवाज़ आ रही है सर? हाँ जी, अब आपकी आवाज़ आई है। हाँ जी, लो गंगोत्री देवी जी से मेरी माता हैं और ये आपको कुछ समस्याएं बताएंगे सर। हाँ माता जी, आपकी आवाज में सुनने के लिए बहुत टाइम से व्याकुल हूँ कि आप बताएं अपनी समस्याएं। हाँ लो सर, लो 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 जी, देखिए उनके पुत्र ने उनको कनेक्ट करके दिया है। आपको मेरा प्रणाम। हाँ प्रणाम माता जी, प्रणाम। बताएं माता जी क्या समस्या है आपकी तरफ की? बुढ़ा आज इम्तिहान है। हाँ दिखेण लगे हैं। मैं अपने गांव की समस्या का तोड़ो जी। हाँ माता जी, माता जी समय सीमा है थोड़ा सा, ये ना बात बाकी बात बाद में फोन पर कर ला, अभी समस्याएं बताओ।
अच्छा हाँ, क्या क्या दिक्कत होने लगी तुम ते? अच्छा करिए आप बता दें, आप बता रहे हैं, समझे? माता जी की बात को आप रख सकते हैं, आप रखें। नहीं नहीं माता जी, खुद माता जी तो सुबह से परेशान है कि मेरी बात जरूर कराना हो। अच्छा चलिए, माता जी की बात कराएं आप। माता जी आप अपने यहाँ की समस्याएं बताएं, स्कूल की बताएं, सड़क की बताएं, आप अपने यहाँ सब तरह की स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं बता सकती हैं। आपकी बात को बिल्कुल आज रखा जाएगा। बिल्कुल सर, आप स्पीकर फोन पे हूँ, मैं माता जी मेरी बात करो आप। हाँ जी, स्पीकर फोन ऑन कर दीजिए उनका। ठीक ठीक बोलिए। चलिए हाँ, भाई लोगों में अपने गांव की समस्या बता रहा हूँ जी। और मैंने अपने महिला मंगल दल पे बोली कि समस्या बता रहा अपने गांव की, दीदी भूलो बन ऊपर आग ना लगाया, और आग लगाने से क्या बोलू हमार गरीब लोग जिन पहाड़ में थे, हमारा बच्चा क्या खा ला, हम जब हम गाय। रोजगार की समस्या, माता जी बिल्कुल समझ गया मैं, रोजगार की समस्या आपकी है और इसी पे हम बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। रोजगार को लेकर बच्चे क्या खाएंगे, कैसे होगा, क्या करेंगे, इन सब पे बात करने के लिए हम बैठे हैं और यही बात आपकी आगे पहुँचाने की भी बात कोशिश कर रहे हैं हम। तो माता जी आपकी बात मैं, आपके विचार समझ गया, आपके दर्द भी समझ गया और समय थोड़ा सा कम है इस वजह से हम थोड़ा ले नहीं पा रहे, आपका सिग्नल बहुत वीक था, फिर बात होगी आपसे दोबारा से इसमें। चलिए जोशी जी, जोशी जी आपने इनकी माता जी की बात सुनी, कहीं ना कहीं आपके आपके गांव की तरफ से इनका रास्ता जाता है। अब सोचिए कितनी बड़ी समस्या है कि वहाँ के एक गाँव की महिला जो आज हमारे देश के 55% अगर वोटर देखा जाए तो महिलाएं हैं, आज वो अपनी बात पहुँचाने में उसको इतनी तकलीफ हो रही है। सोचिए कि हमारे गांव में अगर कोई त्रासदी हो जाए तो वो घटना पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ये दर्द जो है ना, शायद दिल्ली से आए हुए लोग नहीं समझेंगे और देहरादून में बसे हुए मंत्री नहीं समझ पाएंगे। समस्या हम सबको सुलझानी है, अपनी बात को सही समय से सही तरीके से एक पटल पर रखना है, जिससे कि ये वोट जब मांगने आते हैं ना हमसे, ये हमसे ना वादे ना करें, अपने सफ़ेद कुर्ते पजामे में पहुँच के ये जो बातें कर जाते हैं ना, लोग इनकी बातों में आ भी जाते हैं। तो हमारी हमारी जो ये मुहिम है ना, इसको आंदोलन समझ के आप लोग इसमें शामिल होइए और इस डिबेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि आप अपनी समस्या को रखने का एक आपको माध्यम मिला है। आप हमारे नंबर भी जारी कर सकते हैं, हमारे पास एक नंबर है जिसमें अपनी समस्याएँ भेज सकते हैं, हम आपके मुख्यमंत्री से जो हैं उनसे हम बात कर सकते हैं अगर आप उनको कंटिन्यू करना चाहें तो, ये भी आप लोगों पर ही निर्भर करता है। तो इसी तरह से सरकारें आप चुनते हैं, सरकार आपको चुने, ये ठीक नहीं है। आज की समस्या ये है कि सरकारें आपको चुन रही हैं, ये मेरा आदमी है, ये उसका आदमी है, ये बड़ी समस्या है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, उमर रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, चरण रावत जी का धन्यवाद, नरेंद्र जोशी का धन्यवाद और हमारे चमोली से पुष्कर संवाददाता उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीड़ा इस प्रकार से है, तो समझिए कि मैं इनसे कनेक्ट नहीं, एक प्रोग्राम मैंने मेरा गांव मेरा देश शुरू करा और मैं इनसे कनेक्ट भी नहीं कर पाया, दो लोगों से मैं कुल बात कर पाया। ये पूरे उत्तराखंड को मिलाने की जो बात करते हैं कि मेरा उत्तराखंड सबसे सुंदर, मेरा उत्तराखंड सबसे बड़ा बढ़िया, सारे शब्द इन नेताओं के पास, सच्चाई आपने देख ली, यह है उत्तराखंड। तो इस प्रोग्राम को आगे इसी तरह से कल किसी और गेस्ट के साथ आपसे मिलेंगे, फिर बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि यही लोग दोबारा से मिलें, इनकी समस्याएं दोबारा से ढंग से सुनें या फिर और नए लोग, नए गाँव की समस्याएँ। इसी के साथ ये प्रोग्राम मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।